गुड इवनिंग एवरीवन। और नॉर्सेट 5 का जो एग्ज़ाम था प्री का, आज वो हुआ है और अभी अभी जो है मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ। पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट कह सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपके लिए सॉल्व करना वो बहुत मुश्किल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं पेपर का लेवल क्या था और क्वेश्चन क्या क्या थे। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पायोपैगस करके एक इमेज आई थी और एक इशियोपैगस करके ऑप्शंस में थे, तो आपको पहचानने थे। मैं इमेज लगा दूंगी, आप इमेज देख लेना। ईसीजी का क्वेश्चन आया था कि ईसीजी में स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, तो स्ट्रेस टेस्ट के बाद एमआई का पेशेंट है, स्ट्रेस टेस्ट हुआ है, तो उसके बाद ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे। इलियोस्टमी की जो है इमेज आई हुई थी और आपका एक वेलेंडर रिट्रैक्टर का फोटो आया हुआ था। तो ये तीन चार जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, इमेज मैं लगा दूंगी, ये देख लीजिएगा इमेज आप लोग। उसके बाद क्वेश्चंस जो आए थे वो जीके से जो क्वेश्चन था वो नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया पूछा हुआ था। फिर पूछा हुआ था कि जो हमारे हिंदू कैलेंडर में सबसे फर्स्ट मंथ कौन सा होता है। चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, G20 समिट को किसने इनॉग्रेट किया था और कौन सा जो है कौन से देश के जो पीएम थे, मतलब अक्षरधाम मंदिर में किसने विजिट किया था, तो उसका नाम मतलब हस्बैंड वाइफ का नाम था, ऑप्शन में वो बताना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि ये जो हमारा नर्सिंग से है क्वेश्चन, उसमें आपके बर्न टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर एक पूरा हाथ जला हुआ है, चेस्ट एरिया जला हुआ है, तो कितना परसेंट बर्न होगा। उसके बाद पूछा था कि जीसीएस स्कोर पूछा था, सबसे लोएस्ट स्कोर क्या होता है जीसीएस का और डेथ पेशेंट में जीसीएस स्कोर कितना होता है। अफगार स्कोरिंग पूछा हुआ था कि एक बच्चा है और वो जो है उसका हार्ट रेट जो है वो 110 है और जो ब्रीथ है वो 26 है और फ्लेक्शन है और उसकी जो बॉडी है वो पिंक है और उसके एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ब्लू हैं, तो कितना जो है होगा उसका अफगार स्कोरिंग, ये पूछा हुआ था। सबसे मोस्ट कॉमन जो हर्निया होता है फीमेल में वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ऐसा करके ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद फीमेल अडल्ट जो है उसके कैथेटर, अगर पुलिस कैथेटर लगा रहे हैं तो उसका नॉर्मल साइज कितना होता है, ये पूछा हुआ था। और MAIO मतलब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की साइड इफेक्ट पूछा हुआ था और कौन सा डाइट, जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो कौन सी डाइट नहीं लेते हैं, इसके बारे में पूछा हुआ था। पैरामीटर्स पूछे हुए थे जीसीएस से, यानी जीसीएस के तीन क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए थे, वो आपको ध्यान देने हैं, जीसीएस टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा हुआ था सेप्टिक शॉक का ट्रीटमेंट पूछा हुआ था, पूछा था कि स्ट्रोक कब कोई पेशेंट है तो उसमें कौन सी फ्लूइड चलेगी, कोलॉइड्स चलेगा कि पैक्ड आरबीसी चलेगी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चलेगा, ऐसा करके क्वेश्चन था। और रॉकी माउंटेन फीवर पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था कि रॉकी माउंटेन फीवर जो है वो किसके थ्रू होता है, मतलब कौन सी सैंड फ्लाई के थ्रू होता है या टिक के थ्रू होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद पूछा हुआ था कि कौन सी वैक्सीन जो है एमआर के साथ हम लगाते हैं। फिर पूछा था कि डिस्फेजिया जो है वो कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, कॉमन सिम्टम किसका है, तो उसमें बैरेट्स इसोफेगस दिया होता है, एचलेजिया दिया हुआ था, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। यूनिवर्सल डोनल पूछा हुआ था और टाइफॉइड फीवर, 5 दिन से किसी पेशेंट को टाइफॉइड फीवर आ रहा है तो हम उसको कौन सा एग्जामिनेशन कराएंगे, स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, विड्रॉल कराएंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे, ऐसा ऑप्शन था। पेरिनियल और एनस एरिया को कैसे क्लीन करना है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि टेक्निक पूछी हुई थी कि कैसे क्लीन करना है। मेटाक्लोप्रोमामाइड के साइड इफेक्ट पूछा हुआ था जो कि पेरिनॉम आता है, मेटाक्लोप्रोमामाइड के साइड इफेक्ट, ब्लू लाइन गम और कॉलिक पेन और कॉन्स्टिपेशन कौन से जो है पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, ऑप्शन में लेड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा हुआ था फीमर फ्रैक्चर का और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के सिम्टम पूछा हुआ था, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है वारफरिन थेरेपी के बाद तो हम कौन सा ट्रीटमेंट चलाएंगे, एक्सेप्ट करके दिया हुआ था क्वेश्चन। सीवियर जो है मेकल डाइवर्टिकुलम के बारे में पूछा हुआ था, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में पूछा हुआ था। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर का एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है और वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं जो है सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है कि ये थॉट ब्रॉडकास्टिंग है, इसके बारे में पूछा हुआ था। फिर पूछा हुआ था कि चारकोट ट्रायड क्या होता है, रीनल फेलियर, अक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर दोनों से क्वेश्चन आए हुए थे कि पेशेंट जो है उसको क्या डेंजरस साइन क्या होता है। उसके बाद क्लेमेडिया से क्वेश्चन था कि क्लेमेडियम अगर किसी मेल को हो जाता है तो उसका अर्ली सिम्टम क्या होगा। पॉट्स स्पाइन का मोस्ट कॉमन जो है सिम्टम पूछा हुआ था कि मोस्ट कॉमन सिम्टम पॉट्स स्पाइन में क्या देखने को मिलता है, हिमोक्टाइसिस किस में देखने को मिलता है। उसके बाद वीनस ब्लड जो है
सॉरी वेरिकोज वेन है अगर किसी पेशेंट को और जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसका फर्स्ट जो है अर्ली ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। उसके बाद पूछा हुआ था कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड क्या करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर पूछा हुआ था और ब्रेस्ट कैंसर कौन सी फीमेल में सबसे ज़्यादा होते हैं चांसेस, ये पूछा हुआ था। ऑप्शन में था कि कोई फीमेल है वो एल्कोहलिक है, एक ऑप्शन में था, एक में था कि कोई पेशेंट है वो जो फीमेल है वो ओबीज है, बहुत ज़्यादा ओबीज है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नॉन मॉडिफाइल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, और इंट्राडक्टल ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मैनेजमेंट पूछा हुआ था। इंट्राडक्टल ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मैनेजमेंट सर्जरी का नाम दिया हुआ था कि मास्टेक्टमी करेंगे, रेडिकल मास्टेक्टमी करेंगे, इसके बारे में पूछा हुआ था। फिर पूछा हुआ था कि चेस्ट ट्यूब जो हम लगाते हैं, तो चेस्ट ट्यूब में वाटर चैम्बर जो होता है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो हमें उस टाइम क्या करना है। उसके बाद पूछा हुआ था कि फ्लाइल चेस्ट इंजरी है रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ, तो पहला मैनेजमेंट क्या होगा। वेट फॉर एज स्कोर पूछा हुआ था। रेडिएंट वार्मर को हम कितने वीक तक जो है यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन था। फिर था कि आपको जो हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए सैंपल लेते हैं उसको हम कौन से ईडीटीए में डालेंगे, गार्लिक लाइक स्मेल जो है वो कौन सी पॉइजनिंग में आता है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल पूछा हुआ था, इलेक्ट्रोसर्जरी के बारे में पूछा हुआ था कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोसर्जरी, ब्लड सैम्पलिंग जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछा था, वायल कौन सा यूज़ करना है वो पूछा था, थायराइड और पैराथायराइड का एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है उसका कैल्शियम लेवल ये है, पीटीएस लेवल ये है, और जो है उसका क्रिएटिनिन लेवल ये है, तो ये पैराथायराइड का है कि थायराइड का है, प्राइमरी है या सेकेंडरी, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ था। फिर डोज ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का डोज पूछा हुआ था, एक चाइल्ड है और उसमें क्वेश्चन दे दिया था कि इतना मतलब डॉक्टर का ऑर्डर है तो हम कितना लगाएंगे। हीमोप्टाइसिस का क्वेश्चन था, टॉन्सिलेक्टमी का क्वेश्चन था। तो इतने सारे टॉपिक जो हैं, जो मुझे सबसे मेन मेन टॉपिक लगा नॉर्सेट 5 में प्री के एग्जाम में, उसमें सबसे पहला तो जीसीएस स्कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा हुआ था। दूसरा पूछा हुआ था, उसके 3-4 क्वेश्चन आए थे, प्लस पॉइजनिंग से बहुत सारा क्वेश्चन आया होता है फर्स्ट एड में जो हम पढ़ते हैं, पॉइजनिंग उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और उसके बाद जो है आपके ये पैराथायरॉयड थायरॉयड से क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके बाद आपका ब्रेस्ट कैंसर से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि मोटा मोटा टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक इससे आए हुए थे क्वेश्चन। रीनल फेलियर से क्वेश्चन आया हुआ था, जीआई से एक क्वेश्चन था, मेकल डाइवर्टिकुलम का क्वेश्चन था, ईसीजी से हमेशा हर बार आता ही आता है, तो इस बार भी ईसीजी से क्वेश्चन था। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस बार देखने को मिला, तो पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल का था, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी उसका पेपर ठीक ठाक गया होगा, अच्छा गया होगा, और जिसने पढ़ाई नहीं की होगी मतलब ऐसे इजीली इस पेपर को लेके गए होंगे तो उनका पेपर मतलब नहीं अच्छा हुआ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, और अगली बार जब भी आप पेपर देने जाएँ तो इन टॉपिक को ज़रूर देखे जाएँ, क्योंकि हमेशा नॉर्थ में क्या होता है टॉपिक जो है वो रिपीट होता रहता है। तो ये टोटल 57 to 58 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। आगे अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए और नेक्स्ट पेपर में जो है आप इसे और बेटर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।